सरल स्वभावी, वाणी में माधुर्य, ईमानदार छवि, अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रत प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री रामनिवास मित्तल जी। फर्म रामनिवास प्रियंक कुमार एवं गुफा ओवरसीज। आप चावल के थोक विक्रेता हैं। आप सन 1980 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। इन्हीं समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं उस शख्स का, उस महापुरुष का, उस महान व्यक्ति का आपसे साक्षात करवा रहा हूँ, जिसने मैंने 1980 से देखता आ रहा हूँ। ऐसे हंसमुख मिलनसार उनकी मुस्कुराहट मैं शुरू से ही, आज से नहीं 1980 से, या पिक्चर की कह दीजिए आप, जब भी मिलते हैं मुस्कुराहट के साथ। ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ ऐसा होता है। जो भी आ जाए मैंने कहता हूँ बाबू जी, बोले भाई हनुमान जी जो हो रहा है ठीक कर रहा है, जो कर रहा है प्रभु कर रहा है। बाबू जी कैसे क्या है, क्योंकि मेरे तो एक ही देश है, एक ही ध्येय है, एक ही है, ईमानदारी से काम करो, नेकी नियत से काम करो, सब ठीक होता है। और आप वास्तविक वजह का, हमारे इनका ऑफिस बहुत साल तक हमने सामने 2644 में रहा, और आज दो दो गड्डी नीचे है। ये इनकी वारिकता है, आप समझ गए होंगे। इनका नाम है श्री रामनिवास जी, फर्म के मालिक रामनिवास प्रेम कुमार, जिनका मैं आपका पीछे साक्षात करवा रहा हूँ। भाजी नमस्कार, नमस्कार। आपका तो शुरू से मेरा आपका साथ बहुत ही लगाव कह लूँ, या श्रेय कह लूँ, या प्यार कह लूँ। अब आप व्यापारी भाइयों को ये बता रहे कि वो कह रहे हैं कि आपके बिहार से कहाँ कहाँ पहुंचे, आपकी मुस्कुराहट ही आपको लेती जा रही आगे, ये सब बात नहीं। आप व्यापारी भाई को थोड़ा सा बताए कि आप किस तरह है, मेरे ख्याल 2644 में थे, उसके बाद आप कैसे, कहां से, कहां से कब आए, और यहां क्या क्या किया, तो व्यापारी भाई को जानकारी देनी कृपा करें। नहीं, मुझे तो यहाँ 35 साल हो गए दिल्ली के अंदर। 35 साल? हाँ 35। शुरू में 15 साल नौकरी करी, 15 साल नौकरी, उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया। ये कब से काम है? काम ये किया है 95 के आसपास। 95 के आसपास? हाँ हाँ 95 के आसपास। तो इसी गद्दी में किया था? 2644 में, इसी से बात कर। हाँ, ये बहुत छोटी की गद्दी होती थी, हमारे मुझे पता है छोटी गद्दी बात है। और तब से उसके बाद फिर जो है, बस उसके बाद फिर हमने बाहर भी मेन रोड पर दुकान ली, मेन रोड पर। हाँ, उसके बड़ा लड़का बैठता है, क्या नाम है? प्रियंक। प्रियंक लड़का, प्रियंक। हाँ हाँ, वहाँ गुफा और सिंह नाम पड़ता है हमारा, 4056 में, 4056। हाँ हाँ, मेन रोड पे। तो कौन सा ब्रांड है? 1572 माल का है, गुफा ब्रांड, गुफा ब्रांड भी है, गुफा ब्रांड भी है। तो यहाँ दूसरे ऑफिस जो नीचे, हाँ वो दूसरा छोटा बेटा बैठता है, उनका क्या नाम है? महंग मित्तल। अच्छा, महंग मित्तल। तो ये आपने व्यापार ये एक साथ कैसे क्या किस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया है? बहुत ये आपने बढ़ाया पिताश्री के, ये कोई नहीं नहीं शुरुआत हमने की, शुरुआत आपने की है। रहने वाले कहाँ के पीछे आप? बहुत से आया अभी। तो वहाँ कोई पढ़ाई छोड़ के आया या कैसे? मैं पढ़ाई छोड़ के सीधा इसी काम पे आ गया। इसी काम पे, यहाँ नौकरी के लिए नौकरी से सीधा काम किया। तो ये काम अपना चावल का ही? सिर्फ चावल का? चावल का, सिर्फ चावल का ही? चावल का, शुरू से चावल का ही रहा? चावल का ही रहा। तो नौकरी में जो काम किया वो चावल का? दलाल? चावल का ही, चावल का, सिर्फ चावल का ही काम में रहे? बहुत बढ़िया। आपने भी सब आप लोगों की बड़े सबकी कृपा रही, ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया, साथ दिया। दिल्ली के में कार्यकारिणी में तो ही आप? हाँ हाँ, कार्यकारिणी में। आप तो बिल्कुल देखा है व्यापार को, क्या खुश रहना चाहिए जिंदगी में, और क्या क्या बता। वो तो आपका व्यवहार सबसे बड़ा यही है आपका, तो नहीं खुशी रहना चाहिए। अपना जो शुरू कर रखा आपने देखा ही है 1900, आपने भी बहुत कुछ, बहुत तरक्की करी, आपने भी बहुत मेहनत करी है। इस ये सब आप डिजिटल का दायित्व जो ला रहा हूँ, ये भी एक आसुरा के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। भाइयों, आपने श्री राम निवास जी का विचार सुने,
बहुत ही सक्सेप में बड़ी मुस्कुराते हुए मैं आज का सम्मान करके अभिनंदन करके आभार प्रकट करके अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूँ। मैं अमर ज्योति डायरेक्टरी की तरफ से, जैंस जो पत्रिका परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से मैं आपका और जी का बहुत 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 आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।